तीनों प्लेटफॉर्म से कहीं भी किसी भी तरीके का कोई पेमेंट आपको करने की नीड नहीं है ओके सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को ओके okay, अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या होते हैं जिन्हें हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं ओके okay, आपका जो पेपर होता है उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना मतलब एक क्वेश्चन दिया रहता है उसके चार ऑप्शन रहते हैं उनमें से आपको सही आंसर को टिक करके आना है सो so, पहले पार्ट ए पार्ट में हम इसके एमसीक्यू को ही डिस्कस करेंगे राइट सो क्वेश्चन नंबर वन दिया हुआ है ओके okay. आईटीएस का क्या फुल फॉर्म है अब इस चैप्टर का नाम है एप्लीकेशंस ऑफ आईटीज आईटी राइट आईटी मतलब कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये चैप्टर बेस्ड है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर मतलब हम यदि बात करें तो हमारी जो लाइफ है कहीं ना कहीं आईटी पर फुली डिपेंडेंट है फुली डिपेंडेंट है आईटी पर क्या आप मोबाइल फोन के बिना रह सकते हो नहीं रह सकते हैं क्योंकि आधे से ज्यादा चीजें कहीं ना कहीं हमारे मोबाइल फोन में होते हैं राइट right? आजकल हम आईटी पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं कि यदि आपको कुछ पेमेंट करना है या आपको कुछ मूवी डाउनलोड करनी है या आपको कहीं घूमने जाना है तो उसके लिए आपको रिजर्वेशन वगैरह करवाना है राइट right? कुछ भी एनीथिंग जो आपका डे टू डे लाइफ का जो वर्क होता है एवरीडे जो आपने लाइफ को आप स्पेंड कर रहे हो लाइक like आपका जो रूटीन वर्क है वो सब हमारा कहीं ना कहीं मोबाइल फोन कंप्यूटर लैपटॉप पीसी जैसे डिवाइसेस पर डिपेंड करता है राइट इंटरनेट जैसे टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है इंटरनेट के थ्रू हमें जितनी वेब सर्विसेज मिल रही है उनकी मदद से हमारा काम काफी ज्यादा ईजी हो गया है ना सिर्फ हमारे डेली रूटीन की यदि बात कर लें बात कर लें हम बिजनेस की मेडिकल फील्ड की एग्रीकल्चर फील्ड की है ना किसी भी फील्ड की आप बात कर लो साइंटिफिक रिसर्च किसी भी फील्ड की एजुकेशन सेक्टर हर एक जगह आपको आईटी टी के आ, हम बोल सकते हैं कि यूजर्स दिखते हैं एप्लीकेशन दिखते हैं जिस चैप्टर में हमने डिटेल में समझे सो आई टी का क्या फुल फॉर्म है भाई आई का तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ई एस का क्या फुल फॉर्म है वो देखो ऑप्शन दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज सोल्यूशन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी

जिनकी मदद से हमारे काम इजी हुए हैं वो सारी सर्विसेज हमें आईटी प्रोवाइड करता है सो आई का क्या फुल फॉर्म हुआ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज जिसमें हमने पढ़ा था इस टॉपिक में बेसिकली हमने पढ़ा था कॉल सेंटर बीपीओ बीपीएम मल्टीनेशनल कंपनीज है ना जी तो ये सारी चीज हमने इसमें डिस्कस किया था एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया हुआ आई टी एस पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस चैप्टर का वो वीडियो जरूर देखना उसमें आपको काफी चीजें क्लियर हो जानी है राइट सो so, क्या हुआ इसका फुल फॉर्म बी दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एबल्ड सर्विसेस राइट अब कंफ्यूज करने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे बट हमें कंफ्यूज नहीं होना है राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब इट इज अ सर्विस सेंटर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट टू अ कस्टमर क्या बात हो रही है यहां पर ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन है जो कि सर्विस सेंटर है जो क्या प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है राइट right? क्या है भाई वो ऑप्शन 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 ए देख लो बी सी डी कॉल सेंटर सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका कॉल सेंटर है ना आई एस पी मतलब इंटरनेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विस में सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो हमने फर्स्ट पॉइंट देखा था वो था कॉल सेंटर कॉल सेंटर्स पे आपने देखा है कंप्यूटर्स होते हैं ट्रेंड पर्सन होते हैं जो कस्टमर्स की हेल्प करते हैं है ना कस्टमर्स को जिस भी किसी प्रोडक्ट सर्विसेज से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो आप उसी पर्टिकुलर कंपनी में के कंपनी uh, में कॉल करते हो तो वहां पे कुछ ट्रेन पर्सन होते हैं रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो कस्टमर्स की हेल्प करते हैं कस्टमर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं राइट तो कॉल सेंटर क्या है आपका एक आई टी एस है आई टी एस इनेबल्ड सर्विस ही है इंफॉर्मेशन इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस है राइट अब यहाँ पे क्यों ये करेक्ट आंसर है क्योंकि कस्टमर्स को सर्विस और सपोर्ट और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कॉल सेंटर्स होते हैं बट यदि हम बात कर ले आईएसपी तो ये डायरेक्टली कस्टमर्स से नहीं डील करते हैं यदि बीपीएम की बात करें तो हम बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट ये भी पढ़ा था हमने है ना एम एनसीज मल्टी नेशनल कंपनी आई इंडियन सर्विस प्रोवाइडर राइट तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका डी दैट इज कॉल सेंटर ओके नाउ वट इज दी फुल बीपीएम अभी प्रीवियस क्वेश्चन के ऑप्शन में हमने बीपीएम का फुल फॉर्म देखा क्या होता है बीपीएम का फुल फॉर्म बिजनेस पावर मैनेजमेंट बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट बेसिक प्रोसेस मैनेजमेंट बेसिक पावर मैनेजमेंट कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे लाइन बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ दिए हुए बट वॉट इज दी करेक्ट आंसर बी दैट इज बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इज दी करेक्ट आंसर देख लो ओके okay. अब बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ जैसे किसी भी कंपनी में क्या होता है भाई किसी भी कंपनी में मैनेजर होता है जो कि ओवरऑल मैनेज करता है पूरे बिजनेस को मैनेज करता है इंप्लॉयज से लेकर हर एक डिपार्टमेंट को मैनेज करने का काम करता है ना बिल्कुल यहाँ पे वैसे ही बीपीएम होता है जो कि क्या करता है ओवरऑल बिजनेस की प्रोसेस को मैनेज करता है बिजनेस को एनहांस करने के लिए किस तरीके का मैनेजमेंट क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए वो सब यहाँ पर डिफाइन किया जाता है ठीक है नाउ नेक्स्ट विच ऑफ फॉलोइंग इज अ बीपीओ सर्विस बीपीओ सर्विस कौन सी है इन ऑप्शंस में से आपको बताना है तो पहले बीपीओ के बारे में जान ले तो सर्विस आप हाँ बता पाओगे बीपीओ मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यहां पे हम बात कर लें कि सपोज कोई एक कंपनी है राइट ये कोई एक कंपनी या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है अब इस कंपनी को रिसोर्सेस चाहिए इस कंपनी को आ, अपने जो इंप्लाइज है उनके इंश्योरेंस करवाने इस कंपनी में जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज है उनके उनसे रिलेटेड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क की जरूरत है राइट तो इस कंपनी को फर्दर बहुत सारी चीजों की नीड है भाई क्या क्या नीड है इनको इंप्लॉयज की सैलरी के लिए एक पेरोल सिस्टम की नीड है ओके okay, हमने क्या देखा एंप्लॉयज के इंश्योरेंस के लिए जरूरत है ठीक है

टेलीकम्युनिकेशन की जरूरत है ओके साथ ही हम देख लें यहां पर तो बहुत सारी जरूरत है इस कंपनी को एनहांस होने के लिए तो यहां पे ये कंपनी किसके साथ में डील करेगी ये कंपनी एक ऐसी बीपीओ के साथ बीपीओ मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनी के साथ डील करेगी जो ये सारी सर्विसेज इस कंपनी को प्रोवाइड करेंगे तो बीपीओ ऐसी कंपनीज ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिन्हें हम थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं जो कि किसी कंपनी को इन्हांस करने के लिए स्ट्रेथन करने के लिए हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए यूज की जाती है ठीक है ये डायरेक्ट कस्टमर से डील नहीं करते हैं ये डायरेक्ट डील करते हैं कंपनी के साथ में ओके okay, बट ये जो काम करती है ना कंपनी दो एंड पर काम करती है एक होता है फ्रंट ऑफिस और दूसरा होता है बैक ऑफिस ये हम पढ़ चुके हैं डन बैक ऑफिस में जो परचेसिंग uh, होती है कंपनी में जो बिलिंग वगैरह होती है वो काम बीपीओ का होता है लेकिन यदि फ्रंट ऑफिस में बात करें तो यहाँ पे फ्रंट ऑफिस में वो डिजाइन वगैरह हम बोल सकते हैं टेक्निकल सपोर्ट यदि प्रोवाइड करना है कस्टमर्स के साथ में डील करना है तो उसके लिए कौन सी सर्विसेज देना है वगैरह ये सारी चीजें आपकी फ्रंट ऑफिस में आ जाती है डन तो बीपीओ क्या हुआ पहले तो ये हमें क्लियर हो गया कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग ठीक है अब यहाँ पर कौन सी बीपीओ सर्विस है ये बताना है तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है टेक्निकल सपोर्ट सर्विस कस्टमर सपोर्ट सर्विस ऑर्डर मैनेजमेंट सर्विस तो ये तीनों सर्विसेस आपको बीपीओ प्रोवाइड करता है ठीक है सो इसके लिए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस राइट समझ में आ गया कि बीपीओ एक क्या होती है थर्ड पार्टी कंपनी होती है जो मेन कंपनी को क्या प्रोवाइड करती है मेन कंपनी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है डिफरेंट टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करती है यदि एग्जांपल देखें तो टाटा बिरला और आपकी विप्रो इन्फोसिस ये सब क्या है ये सभी आपकी बीपीओ कंपनीज ही हैं जो कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं ओके नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लर्निंग प्लेटफॉर्म इन ऑप्शंस में से बताना है कौन सा लर्निंग प्लेटफॉर्म है लर्निंग मतलब एप्लीकेशन ऑफ आईटी में हमने देखा था कि आईटी का यूज एजुकेशन में भी किया जाता है एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है ठीक है उसमें हमने डिफरेंट रिसोर्सेज देखे थे एजुकेशनल रिसोर्सेज ऑनलाइन लर्निंग ठीक है वहीं हमने एक एल देखा था लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम तो डिफरेंट हमने उसमें पॉइंट्स पढ़े थे सो so यहाँ पे लर्निंग प्लेटफॉर्म कौन सा है ऑप्शन में बताना है आपको फर्स्ट फेसबुक सेकेंड जी सूट सी स्नैपचैट डी खान अकेडमी सो ऑब्वियस आप सभी को पता है कि फेसबुक स्नैपचैट वगैरह ये क्या है आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना यहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हो सोशल मीडिया के फॉर्मेट में एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो खान अकेडमी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज इस पर्टिकुलर अकेडमी के थ्रू आप कुछ सीख सकते हो लर्निंग कर सकते हो राइट जैसे मैग्नेट ब्रेन सा बिल्कुल उसी तरीके से एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है सो डी इज दी करेक्ट आंसर नाउ कौन सा एक्टिविटी एक्टिविटीज दी है वो भी एजुकेशन सेक्टर में ठीक सो so, ए देख लो एजुकेशनल गेम्स बी वीडियोग्राफी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स सी ऑर्डरिंग फूड ऑनलाइन डी स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंटेशन सो एजुकेशन सेक्टर में आपको इन ऑप्शंस में से कौन सी एक्टिविटी दिखती है क्योंकि आप खुद भी स्कूल जाते हो कोचिंग जाते हो ठीक है यहां भी पढ़ते हो सो so, आपको पता होगा कि कौन सी एक्टिविटी एजुकेशन से रिलेटेड है और कौन सी नहीं है तो जो नहीं है विच इज नॉट वो हमें यहाँ ऑप्शन में बताना है करेक्ट ठीक है सो एजुकेशनल गेम्स कुछ ऐसे एजुकेशनल गेम्स होते हैं जिनके थ्रू आपका नॉलेज बढ़ता है राइट right? तो ये तो एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है वीडियोग्राफी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं साइंस वगैरह के है ना तो होप आपके स्कूल में भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कुछ एग्जिबिशंस वगैरह लगती हैं तो उसमें वीडियोग्राफी आप करते हो तो ये भी एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है ऑर्डरिंग फूड ऑनलाइन आप फूड को ऑनलाइन ऑर्डर करते हो ये नहीं है एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड ना जोमेटो वगैरह का आप पर्सनली यूज करते हो ठीक है अपने मोबाइल फोन में और आप फूड जो भी आपको खाना है डोमिनोज से यदि पिज्जा वगैरह बुलवाना है तो आप बढ़िया तरीके से बुलाते हो इट इज नॉट रिलेटेड विद एजुकेशन सेक्टर सो सी इज द करेक्ट आंसर दैट इज

बट आपको सही आंसर पहचानना है वेब बेस्ड ट्रेनिंग वेबसाइट बेस्ड ट्रेनिंग वेब पेज बेस्ड ट्रेनिंग नन ऑफ दिस डब्ल्यूबीटी का क्या फुल फॉर्म हुआ आपका ए दैट इज वेब बेस्ड ट्रेनिंग क्या होता है वेब बेस्ड ट्रेनिंग मतलब कि इंटरनेट की मदद से आप ऑनलाइन यदि ट्रेनिंग ले रहे हो किसी कंपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी सपोज जॉब लगी है उसके लिए आपको पहले ट्रेनिंग लेना है तो आप यदि इंटरनेट ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की मदद से ट्रेनिंग ले रहे हो तो उसे हम वेब बेस्ड ट्रेनिंग कहते हैं ओके डन इसे भी हमने एजुकेशन सेक्टर में ही डिस्कस किया था ई कॉमर्स रिफर्स टू अब ई कॉमर्स क्या होता है बताओ जल्दी ई कॉमर्स ई-कॉमर्स रिलेटेड है आपके ऑनलाइन शॉपिंग से? से पढ़ा था हमने वहीं बिजनेस से रिलेटेड है ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह जो करते हैं एग्जाम्पल्स है. है ना सो ई कॉमर्स रिफर्स टू ओपनिंग बैंक अकाउंट्स बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑनलाइन कैलकुलेटिंग ह्यूज डेटा यूजिंग स्प्रेडशीट्स वर्क प्लेस so, क्या होगा करेक्ट आंसर जैसे मैंने बताया कि ई e कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कि आप बिजनेस करते हो वो भी आप इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का यूज करके आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो राइट right? सो so, वो किससे रिलेटेड है ऑप्शन बी से देट इज बाइंग इन सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑनलाइन तो हम जब बिजनेस कर रहे हैं ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का यूज करके तो उसमें हम प्रोडक्ट्स को सर्विसेस को बाय और सेल करते हैं राइट सो बी इज द करेक्ट आंसर ई कॉमर्स क्लियर है अब यहाँ पे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो डिफरेंट वेबसाइट्स का यूज करते हो अमेजॉन फ्लिपकार्ट मीशो मिंत्रा स्नैपडील वगैरह राइट ऑप्शन ए क्यों रहोगे ओपनिंग बैंक अकाउंट्स ये ई e बैंकिंग से रिलेटेड है ठीक है और कैलकुलेटिंग ह्यूज डेटा यूजिंग स्प्रेडशीट यहाँ पे हम एक्सेल सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं ह्यूज डेटा कलेक्ट करने के लिए स्टोर करवाने के लिए और उस पर फंक्शन फॉर्मुलाज का यूज कर सकते हो आप कुछ कैलकुलेशन के लिए मेकिंग जॉब ईजियर एट वर्क प्लेस तो यहां पर ई e कॉमर्स का मतलब ये नहीं होता है कि वर्क प्लेस पर आप अपनी जॉब को ईजी कर सको ये आई का यूज होता है जब वर्क प्लेस पर आप सॉफ्टवेयर वगैरह का यूज करते हो देन ओके सो करेक्ट आंसर बी नाउ एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू ई कॉमर्स इनमें से कौन सी एक्टिविटी ई कॉमर्स से रिलेटेड है ई e कॉमर्स क्या हुआ ये समझ में आ गया जब ये समझ में आ गया तो इसमें ऑप्शन में से करेक्ट आंसर आप खुद ही बता सकते हो क्योंकि आंसर आपको पता है अभी मैंने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में कहा है ऑनलाइन शॉपिंग सोशलाइजिंग चैटिंग, फोटोग्राफी ई कॉमर्स का क्या मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जिसमें आप बाय करते हो या सेल करते हो प्रोडक्ट्स को सर्विसेस को जिनके लिए आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो ऑनलाइन आपको इंटरनेट पर बहुत सारी वेबसाइट मिल जाती है जिनकी मदद से आप शॉपिंग कर सकते हो सो ऑनलाइन शॉपिंग इज द करेक्ट आंसर यही एक एक्टिविटी है जो ई e कॉमर्स से रिलेटेड है

इट रिफर्स टू method ऑफ बैंकिंग इन which अ कस्टमर conducts transaction थ्रू द इंटरनेट क्या पूछा है आपसे इस क्वेश्चन में ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सी ऐसी मेथड है जो बैंकिंग से रिलेटेड है जिसमें कस्टमर्स कंडक्ट करते हैं ट्रांजैक्शंस को इंटरनेट की मदद से इंटरनेट की मदद से आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हो सपोज किसी को मनी ट्रांसफर करनी है ठीक है तो आप किसी के अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर सकते हो राइट आपको फिक्स डिपॉजिट ओपन करवाना है है ना इस तरीके के जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो आप कर सकते हो इंटरनेट की मदद से कस्टमर कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकता है बैंकिंग की ऐसी कौन सी मेथड है ऑप्शन है ई कॉमर्स बोलते हैं क्या इसे नहीं बोलते हैं ई कॉमर्स तो अभी हमने देख लिया भाई बाइंग सेलिंग गुड्स से रिलेटेड ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड ई बैंकिंग कहते हैं क्या इसे ई e लर्निंग कहते हैं या नन ऑफ दिस ऑब्वियस बैंकिंग की बात हो रही है यहाँ पर तो हम इसे क्या कहते हैं ई बैंकिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग यदि यहां पर आपका मोबाइल बैंकिंग ऑनलाइन बैंकिंग भी लिखा होता तो वो भी करेक्ट होता ओके okay? समझ में आ गई ना ये बात मतलब पहले ऐसा होता था कि बैंक जाके आपको सारा काम करना होता था आप बैंक में जाओ फॉर्म फिल करो लाइन में खड़े रहो फिर आपका मनी डिपॉजिट होगा फिर आप मनी विड्रॉल कर पाओगे राइट right? लेकिन आजकल क्या होता है जब से ऑनलाइन बैंकिंग या ई बैंकिंग शुरू हुआ है तो मान के चलो कि दुनिया ही बदल गई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस सेक्टर ने तो बिल्कुल लोगों की परेशानी को हल कर दिया है ठीक है लोगों की परेशानियों को सॉल्व कर दिया है कि आप घर बैठे 24 7 आवर्स बैंक को यूज कर सकते हो अपने मोबाइल बैंकिंग के थ्रू ठीक है मोबाइल लैपटॉप पीसी आदि आपके पास में है तो बैंक की वेबसाइट को आपको इंस्टॉल कर लेना है जो भी बैंक का वेबसाइट है नेट बैंकिंग कर सकते हो उसके थ्रू आप घर बैठे अपने अकाउंट को हैंडल कर सकते हो किसी को एन, 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 एन या आर करके आ, पैसे ट्रांसफर कर सकते हो राइट बहुत सारे ट्रांजेक्शन है जो आप यहाँ पे ई बैंकिंग की मदद से कर सकते हो इससे आपका टाइम भी बचता है मनी भी बचता है राइट नाउ नेक्स्ट इलेवंथ वट इज द फुल टी एम ए टी एम का क्या फुल फॉर्म होता है अब ए टी एम सभी को बताएम जाते हो आप मनी विद्रॉल करवाने के लिए तो ये भी कहीं ना कहीं एक आई टी का ही पार्ट है राइट ऑल टाइम मनी एनी टाइम मनी ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन मशीन ऑटोमेटिक टेलर मशीन सो ऑब्वियस आप सभी को पता होगा जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है ये इज द करेक्ट आंसर दैट इज का फुल फॉर्म है आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन डन कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहां तक ओके नाउ ट्वेल्थ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग दईटी इनेबल्ड हेल्थ केयर गैजेट इज यूज टू मॉनिटर हार्ट बीट रेट हार्ट बीट रेट को मॉनिटर करने के लिए आई टी इनेबल्ड हेल्थ केयर गैजेट इनमें से कौन सा है क्या पूछा है क्वेश्चन में आपसे आईटी हेल्थ केयर में कैसे यूज हो रहा है तो जब आईटी को हेल्थ केयर की बात आती है तो बहुत सारी मशीन हैं जिनकी मदद से आप को डायग्नोस कर कर सकते चेक कर सकते हो 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 चेक आप हॉस्पिटल वगैरह जाते तो तो वहां भी आपने देखा होगा राइट तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे है मतलब हम बोल सकते हैं कि आजकल तो आई का लेवल आई बहुत ज्यादा बूम में है राइट आप रोबोटिक्स ए वगैरह तक पहुंच चुके हैं हम राइट सो so कहीं ना कहीं हेल्थ केयर में आई से रिलेटेड इनमें से कौन सा ऐसा गैजेट है जिसके

से समझ लो ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा इक्विपमेंट नहीं है जो कि डिसीज को डायग्नोज करने के लिए यूज होता है ओके okay? कौन सा ऐसा टूल नहीं है जो कि डिसीज को डायग्नोज करने के लिए यूज होता है नहीं है बताना है ऑप्शन ए भीम ऑप्शन बी स्पाइग्नोमैनोमीटर ऑप्शन सी ई जी ऑप्शन डी ग्लूकोमीटर So, यहां पर देखो स्पाइग्मोमेनोमीटर ईजी और ग्लूकोमीटर ये तीनों डिसीज को डायग्नोज करने के लिए यूज किए जाते हैं आईटी इन हेल्थ केयर के एग्जांपल्स हैं देखे थे हमने राइट भीम जिसके थ्रू आप क्या करते हो भीम यूपीआई मिलता है आपको पेटीएम पे वगैरह यूज करते हो ना तो वहां पे उसके थ्रू आप मनी को ट्रांसफर कर सकते हो सो तो इसके थ्रू आप कोई भी डिसीज को डायग्नोज नहीं कर सकते हो ना ये हमने गवर्नमेंटल वेबसाइट का एक एग्जाम्पल देखा था ई गवर्नेंस का राइट तो भीम इज दी करेक्ट आंसर ओके नाउ फॉर टेंथ स्टैंड करता है सी ए डी जिसे यूज करते हैं इंजीनियर आर्टिफिश हाँ इंजीनियर्स बोले हम या फिर फे फैशन डिजाइनर्स बोले जो लगभग बहुत ज्यादा डिजाइन वगैरह प्रिपेयर करते हैं कंप्यूटर का यूज करके राइट तो सी ए डी का क्या फुल फॉर्म हुआ अब मैंने आपको काफी हिंट दे दी है तो यहाँ पे आपको करेक्ट आ, आ, आंसर पता करने में अब इजी हो गया होगा ऑप्शन ए

क्या क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर इजीली कर पाओगे है ना और उसके लिए आपको पहले चैप्टर समझ में भी आना चाहिए ये बात फिर से बता रही हूं तो चैप्टर समझने के लिए आपको चैप्टर्स के वीडियो देखने पड़ेंगे देखो भाई पार्ट ए पार्ट बी के जो स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स है ये पूरे थ्योरिटिकल चैप्टर्स है तो जब थ्योरिटिकल चैप्टर्स होते हैं तो उन्हें हमें समझना पड़ता है कौन सा समझना पड़ता है और ये एक भी चैप्टर्स ऐसे नहीं है जो आपको याद करना पड़े या रटना पड़े है ना आप आसानी से इन्हें समझ के अपने ओन वर्ड्स में आंसर लिखकर आ सकते हो है ना ये चीज आपको अच्छा से क्लियर है सो डैश इनिटिव ऑफ द गवर्नमेंट गवर्नमेंट का ऐसा कौन सा इनिशियटिव गवर्नमेंट सर्विसेज ऑनलाइन जिसकी मदद से आपको गवर्नमेंट सर्विसेज मिलती है ऑनलाइन आपको डिफरेंट गवर्नमेंट सर्विसेज मिलती है ठीक है ऑप्शन ए स्वच्छ भारत ऑप्शन बी डिजिटल इंडिया ऑप्शन सी लिटरेट इंडिया ऑप्शन डी ऑनलाइन इंडिया सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका डिजिटल इंडिया भाई गवर्नमेंट ने इंडिया को डिजिटल बनाने के लिए इनिशिएटिव लिया है जिसमें स्वच्छ भारत लिटरेट इंडिया ये सारी चीजें ये सारे उन्होंने प्रोग्राम्स इवेंट्स निकाले हैं ओके सो होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग सो क्या आएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बी दैट इज डिजिटल इंडिया ओके okay. आगे सारे एमसीक्यू समझ में कोई प्रॉब्लम है एमसीक्यूज में नहीं ना डाउट हो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो डन अब हम डिस्कस करने वाले हैं फिल इन ब्लैंक्स को क्लियर फर्स्ट फिल अप यहाँ पे दिया हुआ है आपको यूज ऑफ आईटी इन बिजनेस बिजनेस में आईटी का यूज किया जाता है दैट इल्स इन डैश प्रॉफिट एंड वेस्ट तो भाई बिजनेस में प्रॉफिट क्या होता है आई की मदद से मैग्जीमाइज होता है राइट right. तो प्रॉफिट आपका मैग्जीमाइजिंग एंड वेस्ट क्या होता है मिनिमाइज होता है

नेक्स्ट थर्ड देखो बीपीओ इज ऑफन डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स ऑफ सर्विसेज तो बीपीओ वाला जो एमसीक्यू अभी हमने डिस्कस किया जिसका फुल फॉर्म था बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग राइट ये जो थर्ड पार्टी कंपनीज होती हैं ये आपको मेन टू टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं किसी भी कंपनी के लिए कौन सी टू टाइप की सर्विसेज होती हैं एक तो फ्रंट ऑफिस सर्विस होती है और बैक ऑफिस सर्विस होती है ठीक है ये दो पर्टिकुलर टाइप की सर्विसेज आपको बीपीओ कंपनीज़ प्रोवाइड करती है फ्रंट ऑफिस सर्विसेज़ में टेक्निकल सपोर्ट कस्टमर से रिलेटेड कुछ सर्विस सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है और बैक ऑफिस में यदि बात करें तो पेमेंट बिलिंग परचेसिंग जैसे कुछ सर्विसेज़ होती हैं जो कंपनी को प्रोवाइड की जाती है है ना नेक्स्ट BPM is considered the bridge between information technology and अब BPM का मतलब बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट ये भी समझाया मैंने अभी ठीक है ये आप इसे कैसे consider कर सकते हो ये एक्चुअली किस तरीके से यूज होता है एक ब्रिज की तरह यूज होता है किसके बीच में इंफॉर्मेशन जो बिजनेस में इंफॉर्मेशन है वो और इंफॉर्मेशन किस तरीके से बिजनेस में प्रोवाइड की जा रही है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस इन दोनों के बीच में BPM बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट एक ब्रिज की तरह work करता है ठीक है नेक्स्ट डैश एंड डैश आर मीडिया प्लेटफॉर्म यूज फॉर डिजिटल मार्केटिंग मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में आपको यहाँ पे दो मीडिया प्लेटफॉर्म्स के नाम बताने हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए यूज किए जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा आप देखो डिजिटल मार्केटिंग आपको किन मीडिया प्लेटफॉर्म किन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे आपको मिलती है तो फेसबुक इंस्टाग्राम ये सबसे ज्यादा फेमस है ना आजकल तो फेसबुक और इंस्टाग्राम ये दो हम बोल सकते हैं कि ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आपको प्रोडक्ट्स की सर्विसेज से रिलेटेड पोस्ट रील्स वीडियो सारी चीजें मिल जाती हैं, है ना यही पे सबसे ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग होती है और यहीं पे सबसे ज्यादा Uh, हम बोल सकते हैं कि पीपल्स होते हैं कनेक्टेड राइट right? आजकल ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसका इंस्टा या फेसबुक अकाउंट ना हो सभी का होता है और हम दिन भर में एक आधी बार तो एक्सेस कर ही लेते हैं है ना और एक्सेस करते हैं तो जब आप अपना कुछ काम कर रहे होते हो अपने पोस्ट वगैरह या फ्रेंड्स के रिलेटिव के पोस्ट देख रहे हो तो बीच बीच में आपको मार्केटिंग से रिलेटेड डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग के भी बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स के बोल सकते हैं हम ऐसे एड्स रहते हैं कि आपको वो बीच में दिखी जाते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वो फेसबुक और इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा पॉपुलर है सिक्स देखो डैश इज अ पॉपुलर वेबसाइट फॉर एक्सेसिंग एजुकेशनल वीडियोस। एजुकेशनल वीडियोस को एक्सेस करने के लिए एजुकेशनल वीडियोस को एक्सेस करने के लिए कौन सी पॉपुलर वेबसाइट है कौन सी पॉपुलर वेबसाइट है भाई पर तो वेबसाइट की बात कर रहे हो तो यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी से भी पढ़ते हो उसका नाम लिख सकते हो लेकिन आपकी बुक में जिस वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है वो है आपका खान राइट right? तो आप वही लिख कर आना जो आपके बुक में लिखा हुआ है अदरवाइज आप यहाँ पे मैग्नेट ब्रेन या कोई और भी प्लेटफॉर्म से पढ़ते हो तो उसका नाम भी लिख सकते हो आपके स्कूल की वेबसाइट का भी आप नाम लिख सकते हो भाई वहां पे भी कहीं ना कहीं आपको लर्निंग और टीचिंग जैसा प्रोसेस मिलता ही है राइट सो होप यू अंडरस्टैंड ऑल दी फिलअप कोई प्रॉब्लम है नहीं है आंसर यदि नहीं मिलते हैं तो आप इसका स्क्रीन ले सकते हो चलिए ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फिल आप देखते हैं एल एम एस इज दिविएशन ऑफ एल एम एस का क्या फुल फॉर्म है एल एम एस जो कि एक एजुकेशन में यूज किया जाता है एजुकेशन सेक्टर में आई टी का जो यूज है वो यही इसी पर बेस्ड है बेसिकली यदि हम बात करें तो एल एम एस एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है ठीक है so इसका फुल फॉर्म होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है लर्निंग मैनेजमेंट

नेक्स्ट द यूज ऑफ डैश एड्स हेल्प्स स्टूडेंट्स लर्न फास्टर एंड ईजिली द यूज ऑफ डैश एड्स हेल्प्स स्टूडेंट लर्न फास्टर एंड इजिली यहाँ पे बात कर रही हूं मैं देखो यदि आपको कोई टेक्सुअल चीजें समझाई जाए टेक्चुअल आपके पास में लिखा हुआ है और आपको बोला है पढ़ो और समझो तो क्या आप पढ़ोगे ठीक है आपने पढ़ भी लिया पढ़ने में बहुत समय लगेगा आधी चीज समझ में आएगी आधी चीज समझ में नहीं आएगी तो जब हम किसी को टेक्सुअल फॉर्मेट में कुछ चीजें देते हैं पढ़ाते हैं समझाते हैं तो वो इतना ज्यादा क्लियर नहीं होता है कंपैरेटिवली जब आप किसी को ऑडियो वीडियो या पिक्टोरियल फॉर्म में पढ़ाते हो है ना सो द यूज ऑफ ऑडियो एंड वीडियो है ना एड्स हेल्प स्टूडेंट्स लर्न फास्टर एंड क्विकली ऑडियो वीडियो पिक्टोरियल फॉर्मेट में यदि चीजें आपको दी जाती है आपको कुछ चीजें समझाई जाती है तो आप फास्टर और इजिली समझ सकते हो डन नेक्स्ट नाइन्थ देखो डैश इज यूज टू डिटर्माइन द अप्रॉक्समेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड ब्लड में ग्लूकोज के कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए आई की मदद से आप कौन सी मशीन का टूल का यूज करते हो सो so, यहाँ पे हमने देखा आई टी इन हेल्थ केयर वाले टॉपिक में कि हम यूज करते हैं यहाँ पर ग्लूकोमीटर का किसका यूज करते हैं भाई ग्लूकोमीटर कैसा दिखता है पता भी अच्छे से है ना पढ़ा है हमने प्रीवियस वीडियो देखना आप उसके प्रीवियस ही वीडियो में मैंने आपको समझाया था डिफरेंट डिवाइसेस के बारे में हेल्थ केयर में जो यूज होता है IT facilitates dash डैश विच marketing, मार्केटिंग प्रोडक्ट ब्राउजिंग शॉपिंग एंड प्रोसेसिंग ऑर्डर शॉपिंग करने के लिए प्रोडक्ट की ब्राउजिंग करने के लिए यदि आपको ऑर्डर प्लेस करना है शॉपिंग के लिए कुछ खरीदना है कुछ परचेसिंग करना है मार्केटिंग करना है तो उसके लिए आईटी में एक टर्म यूज होती है जो आपको ये फैसिलिटी सारी प्रोवाइड की जाती है अभी एमसीक्यू में भी देखा क्या थी वो टर्म जो बिजनेस से रिलेटेड थी जिसे हम कहते हैं ई कॉमर्स क्या कहते हैं हम इसे ई कॉमर्स वॉट इज द करेक्ट आंसर ओके अब इलेवेंथ देखो डैश हैज इनेबल्ड पीपल टू कन्वीनियंटली एंड क्विकली कंडक्ट देयर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन डैश हैज इनेबल्ड पीपल टू कन्वीनियंटली एंड क्विकली आप कन्वीनियंटली और क्विकली अपने ट्रांजेक्शन्स को फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन्स हैं है ना उन्हें ऑनलाइन कर सकते हो ठीक है सपोज हम बात कर ले यहाँ पर यूनो ऐप की पेटीएम की गूगल पे की है ना सो so, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं ये आते हैं हैं आपके ई बैंकिंग 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 में इलेक्ट्रॉनिक या हम इसे ऑनलाइन भी कहते हैं. तो ऑनलाइन बैंकिंग ई बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आपको इलेक्ट्रॉनिकली और क्विकली हेल्प करता है कि आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ऑनलाइन कर सकते हो ओके यूज ऑफ आई टी इन मेडिकल साइंस इज ऑल्सो नोन एज आई टी को यदि आप मेडिकल साइंस में यूज करते हो है ना तो इसे हम किस नाम से जानते हैं ये भी हमने पढ़ा था एच आई टी

वो बिजनेस को इम्प्रूव करती है ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंसी प्रोवाइड करती है इंप्रूवमेंट देती है बट साथ में क्या कॉस्ट इंक्रीज होती है नो फॉल्स कॉस्ट होती है डन इट मेक्स नो डिफरेंस टू द कस्टमर वेदर द कॉल सेंटर इज लोकेटेड इन हिज लोकल सिटी और एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड यस ये ट्रू होगा क्यों ट्रू होगा क्योंकि कॉल सेंटर कहीं भी हो वर्ल्ड में किसी भी कोने में हो है ना

वो अपनी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करती है और साथ ही क्या जो एक्सटर्नल था और मैंने अच्छे से थी आपको कि जो से वो अपनी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए पेरेंट कंपनीज के लिए ही काम करती है, है ना? वो डायरेक्टली जो एक्सटर्नल क्लाइंट उनके साथ में कम्युनिकेट नहीं करती है, है ना? So क्या हो गया ये फॉल्स फोर्थ फेसबुक एंड ट्विटर आर पॉपुलर सर्च इंजिन बात हो रही है यहां सर्च इंजिन की तो सर्च इंजिन क्या फेसबुक ट्विटर है बिल्कुल नहीं सभी को बहुत अच्छे से पता है कि फेसबुक और ट्विटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया वेबसाइट है यदि हम बात करें सर्च इंजिन की तो गूगल याहू बिंग ये सर्च इंजिन है ना नेक्स्ट एल एम एस हेल्प टू क्रिएट ऑर्गेनाइज एंड डिलीवर ई लर्निंग कोर्सेस एल एम एस हेल्प करता है किसमें क्रिएट ऑर्गेनाइज और डिलीवर करने में ई लर्निंग कोर्सेज को तो ई e लर्निंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग इंटरनेट की मदद से आप जो भी कोर्सेज क्रिएट करना चाहते हो पढ़ना चाहते हो ठीक है जिन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो सो उसके लिए आप एल एम एस का यूज करते हो एल एम एस का फुल फॉर्म होता है आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और इसका सॉफ्टवेयर का एल एम एस में जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनका काम होता है कि क्रिएट करना ऑर्गेनाइज करना स्टूडेंट्स तक डिलीवर करना सारे कोर्सेज को राइट right? तो ये क्या हो गया आपका ट्रू हो गया

टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट आ रहे हैं मेडिकल साइंस में आप बहुत ज्यादा फास्ट वे में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट देख रहे हो नई नई मशीनें नए नए टूल्स आ रहे हैं जिनकी मदद से क्या होता है जिनकी मदद से हम इनिशियल स्टेज पर ही डिसीजेस को डायग्नोस कर सकते हैं यस सो इट्स अगेन ट्रू राइट इसका एग्जाम्पल यदि हम लें तो किसी पर्सन को यदि कैंसर है या कोई और बुरी बड़ी बीमारी है तो यदि आप कोई मशीन्स टूल्स होते हैं उस पर्टिकुलर डिसीज को चेक करने के लिए यदि इनिशियल स्टेज में ही आपने वो चेकअप करवा लिया तो कहीं ना कहीं हम उसको क्योर कर सकते हैं उसको उस पर्टिकुलर डिसीज के साथ फाइट कर सकते हैं उसको बचा सकते हैं इंसान को राइट तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ केयर में मेडिकल साइंस में इसके लिए बहुत सारी मशीन्स थी जैसे अगेन ग्लूकोमीटर आपका और सी है ना

प्रोवाइड करती है हेल्प जिसकी मदद से वो इजीली इफेक्टिवली उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सके गवर्नमेंट उन तक इजीली रीच कर सके सो so, इसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट पर बेस्ड जितनी भी ऑनलाइन जो वेबसाइट्स है उनका यूज करते हैं जैसे आपको आधार कार्ड अपडेट करना है इनकम टैक्स भरना है ठीक है या आपको गवर्नमेंट uh, से रिलेटेड जो भी सर्विसेज आपको चाहिए राइट सो so, उसके लिए ई e गवर्नेंस वेबसाइट्स है यदि एमपी ऑनलाइन की बात कर लें तो उसके थ्रू भी आपको सारी चीज मिल जाती है आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है तो उसकी अलग एक वेबसाइट्स होती है राइट सो so, ये भी क्या हो गया ट्रू थ देखो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन फॉर इलेक्शन इलेक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज किया जाता है यूज वोटिंग स्लिप्स एंड बुलेट बॉक्सेस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आज भी बुलेट स्लिप्स और सॉरी बुलेट बॉक्स और वोटिंग स्लिप्स का यूज करते हैं बिल्कुल नहीं फॉल्स टेक्नोलॉजी के साथ आज हम यूज करते हैं किसका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में आप एक सिंगल बटन पे क्लिक करते हो और आपका वोट हो जाता है ठीक है ये हमने देखा है तो स्लिप वगैरह का यूज आजकल नहीं होता है सो so, ये कुछ फिलप थे होप यू अंडरस्टैंड है एवरी फिलअप और अच्छे से आपको सारी चीजें समझ में आ गई अब आ गए हम कुछ आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस पर मतलब अभी तक हमने कुछ एक्सरसाइज समझ ली मतलब एमसीक्यूज फिलअप ट्रू फॉल्स देख लिए इस चैप्टर पर बेस्ड अब हम समझेंगे कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर्स आपको कुछ शॉर्ट मिलेंगे कुछ लॉन्ग मिलेंगे कुछ एप्लीकेशन बेस्ड भी मिलेंगे तो बहुत ध्यान से सारे क्वेश्चन के आंसर्स को आपको यहाँ पे समझना है ठीक है ताकि एग्जाम में यदि कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर आप लिख सकते हो पहला क्वेश्चन है हाउ डज आई टी हेल्प बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आई टी मीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे हेल्प कर रहा है भाई सबसे ज्यादा तो बिजनेस में आई टी का यूज हो रहा है एक स्मॉल शॉपकीपर के पास चले जाओ आप आपके यहाँ पे जो आपका कैंपस होगा वहां पे भी यदि कोई शॉप होती है कोई छोटी शॉप भी होती है है ना या हम बोले कोई वेजिटेबल शॉप भी होता है जो वेजिटेबल सेल करता है वहां पर भी आप एक छोटा कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल फोन या ऐसे कुछ चीजें देखोगे जो कि पेटीएम वगैरह यूज करता है सॉफ्टवेयर का यूज करता है है ना डेली की उसकी सेल्स परचेज से रिलेटेड कस्टमर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेंटेन करता है यदि हम एक छोटे शॉपकीपर की भी बात करें और वहीं हम बड़े की भी बात करें तो वहां पर भी बल्क में आप देख सकते हो कि इंप्लाइज होते हैं कस्टमर्स होते हैं उनका डेटा मेंटेन करना होता है इन्वेंट्री मेंटेन करना होता है कितना स्टॉक बचा है कितना आउट हो चुका है किस डेट को परचेस किया सेल किया तो सेलिंग से रिलेटेड परचेसिंग से रिलेटेड इंप्लॉयज से रिलेटेड हर चीज से रिलेटेड कहीं ना कहीं डेटा बिजनेस में आजकल मेंटेन किया जा रहा है कंप्यूटर्स का यूज करके कंप्यूटराइज्ड वे की मदद से सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आईटी कैसे हेल्प कर रहा है बस वही आपको यहां लिख देना है सो यूजिंग आई टी बिजनेस कैन मार्जिनलाइज इट्स प्रोसेस बाई है अ डेटाबेस वेयर हाउस ठीक है अब इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए स्टोर करने के लिए डेटा बेस वेयर हाउस का मतलब डेटा बेस पर बेस्ड जो सॉफ्टवेयर है उनका यूज किया जाता है जिसमें हम एमएस एक्सेस की बात कर एक्सेल की बात कर सकते हैं या कोई छोटे शॉपकीपर की बात करें तो एक्सेल में भी वो अपना डेटा शीट वगैरह मेंटेन करके रख सकते हैं राइट या फिर हम बात करें एडवांस सॉफ्टवेयर की तो यहाँ पे माई एसक्यूएल ऑरिकल वगैरह सॉफ्टवेयर को भी यूज किया जाता है सो द डेटा गैदर्ड ओवर टाइम कैन बी एनालाइज्ड टू मेक प्रिडिक्शन एंड टू अंडरस्टैंड वेयर द ऑर्गेनाइजेशन इज दर्गनाइजेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन का भी एक्चुअल क्या लेवल है कहाँ पे आप स्टे uh, कर रहे हो वो

स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं समझाया भी है मैंने एमसीक्यू में कि बीपीओ क्या होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग ये एक थर्ड पार्टी कंपनी होती है जो कि मेन कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड करती है टाटा बिरला इन्फोसिस विप्रो जो कंपनीज है ये बेसिकली आपकी मेन पॉपुलर बीपीओ सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनीज है ठीक है अब ये जो कंपनी ये जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है वो दो दो पार्ट में सर्विसेज डिवाइड होती है बैक ऑफिस में फ्रंट ऑफिस में ये भी हमने देख लिया बैक ऑफिस में क्या होती है फ्रंट ऑफिस में क्या होती है इनका बेसिकली काम क्या होता है सो फाइव सर्विसेज आपको यहाँ पे बतानी है अब पढ़ लेते हैं सो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग that is bpo is a business practice in which one organization hires another company to perform a process task that the hiring organization requires for its own business to operate successfully bahut achhi lines likhi hui hai ki koi ek organization hire karti hai another company ko jo kya karti hai us particular hiring organization ke liye टास्क परफॉर्म करती है प्रोसेसेस एग्जीक्यूट करवाती है ताकि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल ऑपरेट हो सके उन्हें जिन चीजों की नीड है बेसिकली वो उन्हें प्रोवाइड करती है बीपीओ हैज इट्स रूट इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री विद मैन्युफैक्चर हायर अदर कंपनी हायरिंग अदर कंपनीज टू हैंडल स्पेसिफिक प्रोसेस सच एज पार्ट ऑफ देयर सप्लाई चेन्स अनरिलेटेड टू द कोर कॉम्पिटेंस रिक्वायर्ड टू मेक देयर एंड Okay? So, आप यहाँ पर answer, अपने फॉर्मेट में लिख कर आ सकते हो जैसा आप समझते हो जो हमने पढ़ा है अपनी ओन लैंग्वेज आपका क्लियर होना चाहिए so, गन, services, कोई भी के नाम लिख सकते हो देख नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन बाई द इंडिया इन टू इंप्रूव दवेंट सो इज बी डिलीवर्ड

ई e गवर्नेंस आपको गवर्नमेंट के ऑफिस में जाकर धक्के नहीं खाने हैं अपना जो भी काम कराना है आपको ढूंढना नहीं है सर्चिंग नहीं करना है आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है ना आपको मनी वेस्ट करना है आप के पास यदि इंटरनेट है कंप्यूटर लैपटॉप लैपटॉप पीसी मोबाइल फोन है तो आप घर बैठे किसी भी समय गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं उन्हें एक्सेस कर सकते हो जैसे कि अगेन आई एम टेलिंग आधार कार्ड वगैरह अपडेट करना है क्रिएट करना है आपको अपना पासवर्ड वगैरह जनरेट करना है आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है आपको फ्लाइट या रेलवे रिजर्वेशन करवाना है एनी वर्क जो आप करते हो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो वर्क होते हैं गवर्नमेंटल जो काम होते हैं वो सब आप घर बैठे कर सकते हो जिसके लिए गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है कि इंडिया को डिजिटल बनाना है ठीक है जिसके लिए हम इसको बोल सकते हैं ई गवर्नेंस इज द बेस्ट ऑप्शन जिसमें माई गोव है ना गवर्नमेंटल होती राइट right, अब इसको आंसर को कैसे लिखोगे देखो द मेन टू टू इंप्रूव डिलीवरी वर फाउंड बी इंक्रीजिंग सिटीजन पार्टिसिपेशन इन अफेयर्स ऑफ द लोकल अथॉरिटी एंड पार्टनरशिप विद द कम्युनिटी इन सर्विस डिलीवरी फ्लैक्सिबल रेस्पॉन्स टू सर्विस यूजर कंप्लेन ऑफरिंग वैल्यू फॉर मनी एंड इंश्योरिंग द सर्विस यूजर्स पे देयर बिल्स ऑन टाइम राइट वही सब लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझाया अभी इन्हें भी आप पॉइंट वाइज लिख कर आ सकते हो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जैसा लिखा है वैसा लिख कर आना है ठीक है यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स भी देकर आ सकते हो गवर्नमेंट सर्विसेज के नाउ नी फोर सोशल मीडिया सर्विज दैट हेल्प यू टू कीप इन टच विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टच में रहना उनसे कम्युनिकेट कर सकना वर्ल्ड के किसी भी कोने में यदि वो रहते हैं तो उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो इजिली उसके लिए आपको चार सोशल मीडिया सर्विसेस के नाम लिखने हैं और सोशल मीडिया सर्विसेस के बारे में क्या कहूँ सभी को अच्छे से पता है इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह हम सभी चलाते हैं तो यहाँ पे आपको चार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के नाम लिख देने सोशल मीडिया सर्विस दट हेल्प यू टू कीप इन टोर फैमिली एंड फ्रेंड्स आर गूगल एंड आउटउट व्हाट्सएप फेसबुक मैसेजर

आंसर आपके ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आएगा उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखकर आ जाना भैया ठीक है ओके सो नाउ द लॉन्ग आंसर टाइप सम क्वेश्चन वॉट इज बी पी ओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है अगेन सेम क्वेश्चन अब यहाँ पे ये यह क्वेश्चन आपको थोड़ा इलेबरेटेड वे में लिखना है तो यहाँ पर आपको इसके बारे में थोड़ी ज्यादा डिटेल लिखनी पड़ेगी यहाँ पे आप एग्जांपल्स वगैरह सब चीजों को ऐड कर सकते हो ओके okay? या फिर ये सेम क्वेश्चन आपसे टू मार्क्स में भी पूछा जाएगा तो आप लिमिटेड क्वेश्चन का आंसर लिखकर आना सो बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ आउटसोर्सिंग अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस टू अदर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज एन एक्सपर्ट इन हैंडलिंग सच काइंड ऑफ

क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने जो स्टेप उठाया है कि इंडिया को डिजिटल बनाना है तो उसके लिए डिजिटल कंपनीज होनी चाहिए ना जो हमें आईटी से रिलेटेड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें कहीं ना कहीं जो कंपनीज हैं जो क्लाइंट्स हैं इंप्लॉयज़ हैं उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें है ना सो so, उसके लिए बीपीओ जो कंपनी है इंडिया में हाईली ऑर्गेनाइज है एंड वेरियस ऑफ जॉब्स ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही काइंड ऑफ जॉब वो प्रोवाइड करें वेरियस काइंड ऑफ जॉब हर किसी सर्विस के लिए आपको बीपीओ कंपनी मिल जाएगी सो इट इज ऑफन डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स ऑफ सर्विसेज बैक ऑफिस एंड फ्रंट ऑफिस तो मेनली यदि बात करें तो दो टाइप की सर्विसेज आपको देते हैं अब यदि बैक ऑफिस की बात करें तो बैक ऑफिस सर्विसेज इंक्लूड प्रोसेस सच एज बिलिंग और परचेसिंग वही लाइन जो मैंने बताई कि यदि बैक ऑफिस की बात करते हैं तो बिलिंग परचेसिंग जैसे जो सर्विसेज है वो आपको बीपीओ सर्विसेज प्रोवाइड करता है बीपीओ कंपनीज यदि फ्रंट ऑफिस की बात कर ले तो इट परटेन टू सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय इट्स कस्टमर्स सच एज मार्केटिंग और टेक्निकल सपोर्ट कस्टमर्स से रिलेटेड फ्रंट ऑफिस सर्विसेज होती हैं ओके सो होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग अब बीपीओ से रिलेटेड जो आएगा वो आप लिख कर आ जाना अच्छे से एग्जाम में सेकंड क्वेश्चन देखो ब्रीफली एक्सप्लेन द रोल ऑफ आईटी इन बिजनेस टुडे बिजनेस में आईटी का क्या रोल है पहला क्वेश्चन ही हमने ऐसा पढ़ा था राइट वही सेम आपको यहाँ पे लिखना है बट लिखने का तरीका देख लो कैसा है वहां पे यदि टू मार्क्स में आता है तो कैसे लिखोगे तीन चार नंबर में पूछा जाता है तो कैसे लिखोगे आंसर को तरीके समझ लो ठीक है चलो देखो ब्रीफली एक्सप्लेन करना है आपको बिजनेस में आई के रोल को कि आजकल कैसे यूज किया जा रहा है सो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिफर्स टू द यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर रिसोर्सेस आज जो यूज़ किया जा रहा है आईटी में बिज़नेस बिजनेस में आईटी को तो कंप्यूटर्स और भी डिफरेंट स्मार्ट डिवाइसेस का आप यूज़ कर रहे हो है ना यदि आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मॉल वगैरह में जाते हो तो आपने देखा है बारकोड रीडर यूज़ किया जाता है बारकोड रीडर समझते हो ना हर एक प्रोडक्ट पर आपको बारकोड दिखती है कुछ इस तरीके की थिक थिन लाइन्स होती हैं ब्लैक ब्लैक कलर की राइट जिनमें प्रोडक्ट की डिटेल होती है एक हैंडल डिवाइस होता है जिससे आप प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर सिस्टम तक पहुँचा सकते हो

आज किसी भी टाइप के बिजनेस के लिए आईटी जो है वो एक इसेंशियल पार्ट बन चुका है जरूरी चीज़ बन चुकी है मतलब ज़रूरत बन चुकी है आईटी समझ में आए जैसे फोन हमारे लिए जरूरत है आज यदि आपकी जेब में कोई पैसे नहीं भी होंगे कोई रुपए नहीं भी होंगे यदि लेकिन आपके पास आपके बैंक अकाउंट में अमाउंट है आपके पास फोन है आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है और पेटीएम या गूगल पे जैसी ऐप है या नेट बैंकिंग का आप यूज करते हो तो आप बेझिझक होकर बाहर निकलते हो और अपने मन के अकॉर्डिंग आपको जो परचेज करना है सेल करना है आप वो कर सकते हो क्योंकि कहीं ना कहीं हम आई वर्ल्ड में जी रहे हैं भाई इंटरनेट की दुनिया में जी रहे हैं डन समझ में आया कि इसीलिए बेसिकली यही वो बताया गया है यहाँ पर इस क्वेश्चन में कि बिजनेस के लिए आजकल आईटी टी फील्ड जो है कंप्यूटर लैपटॉप पीसी मोबाइल फोन ये सब चीज़ें जरूरत बन चुकी है आई टी हैज मल्टीपल बेनिफिट्स फॉर अ बिजनेस अब बिजनेस के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जैसे यहाँ पे कुछ तीन चार पॉइंट्स लिखे हुए हैं हेल्प्स टू रीच मोर पोटेंशियल कस्टमर्स प्रोवाइड बेटर सर्विस टू कस्टमर्स किसी भी तरीके के कस्टमर्स तक कहीं पर भी लोकेटेड कस्टमर्स तक आप पहुंच सकते हो आईटी की मदद से जैसे कि अभी हमने देखा था कि फेसबुक इंस्टाग्राम यहां पर आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो तो जो आ, रीच में नहीं है आपके कस्टमर उन तक भी आप पहुंच सकते हो वर्ल्ड में कहीं पर भी प्रेजेंट हो और कस्टमर्स को आप सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हो वो भी बेटर सर्विस किसके थ्रू कॉल सेंटर्स के थ्रू अब हर एक बिजनेस में चाहे कोई छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो वहां पर एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव एक ऐसा ट्रेनर बंदा बैठा होता है जो कि कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करता है और कोई ऐसा बिजनेस में नहीं चाहेगा कि उनके कस्टमर्स बिगड़े या उनके कस्टमर्स कहीं और जाए राइट right? कस्टमर्स को हम अच्छी से अच्छी फैसिलिटी अच्छी से अच्छी सर्विस देने की कोशिश करते हैं डन तो यहाँ पे आई की मदद से कॉल सेंटर्स वगैरह जो होते हैं उनकी मदद से आप कस्टमर्स को बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो बिजनेस में और तो और जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वगैरह होती है उनके थ्रू कस्टमर्स को

अगेन एम टेलिंग बिजनेस में एक ऐसा बंदा होता है या एक ऐसी कमेटी या एक ऐसी टीम होती है जो ओवरऑल बिजनेस को मैनेज करते हैं जिन्हें हम मैनेजर बोलते हैं ठीक है अब ये मैनेजर के भी लेवल्स होते हैं कुछ एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स होते हैं है ना कुछ सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्स मैनेजर होते हैं कुछ पर्चेस मैनेजर होते हैं तो अलग अलग डिपार्टमेंट में होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को एक सक्सेसफुल लेवल तक पहुँचाने के लिए हम उसे मैनेज करते हैं है ना उसकी पूरी ओवरऑल प्रोसेस को चेक करते हैं देखते हैं सही तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं सो so, यहाँ पर भी एक थर्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है जैसे कि बीपीओ वगैरह जो होती है वहाँ पर एक बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट होता है जो कि ओवरऑल आपके बिजनेस को ओवरऑल आपके बिज़नेस को क्या करता है मैनेज करने का काम करता है सो इट स्टैंड्स फॉर बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इट इज़ अ डिसिप्लिन इन ऑपरेशन मैनेजमेंट ठीक है इट इज यूज एज एन ऑनगोइंग प्रोसेस दैट फोसेस ऑन डेवलपिंग इन न्यू प्रोसेस एंड इम्प्रूविंग कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस बाय मैनेजिंग बिजनेस प्रोसेस आपके बिजनेस में अभी क्या प्रोसेस चल रही है उसको देखना उसको समझना उसको इंप्रूव करना कि और उसको कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो ठीक है उसमें इंप्रूवमेंट लेकर आना नई नई प्रोसेसेस को इन्वॉल्व करना ताकि आप सक्सेसफुल बन सको अपने बिजनेस को आगे इनहान्स कर सको ठीक है सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैथड यूज टू मैनेज अ कंपनीज बिजनेस प्रोसेस इज बीपीएम जिन्हें हम बीपीएम कहते हैं एक्चुअली हम इसे कंसिडर कर सकते हैं एक ब्रिज के फॉर्मेट में ये बीपीएम क्या ऐसा यूज करते हैं जिसकी मदद से आपका बिजनेस इन्हांस होता है आप नए तरीके से इंप्रूव कर सकते हो अपने बिजनेस को तो ये यूज करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आई को आई टी जितनी सर्विसेज होती है आई से रिलेटेड जो डिवाइसेज होते हैं टू

एंड आर डिलीवर थ्रू दिस स्टेट ऑफ आर्ट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर किस फॉर्म में आई टी एनेबल्ड इन सर्विस तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के फॉर्मेट में इट रिक्वायर्स अजाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू इंश्योर सुपीरियर ग्रेड सर्विस डिलीवरी कस्टमर्स को या अदर कंपनी को सुपीरियर ग्रेड में उनको सर्विसेज मिल सके उनको सर्विज डिलीवर हो सके इसके लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की मदद से फाइनेस्ट हाई क्वालिटी सर्विसेज बीपीएम प्रोवाइड करता है इट गारंटीज फ्लॉलेस एंड एक्सलेंट सर्विज बाइंग रिपीटेड क्विकली चैक्स अब अपनी सर्विसेज को जब ये प्रोवाइड करते हैं या कुछ न्यू इन्वॉल्व करते हैं या कुछ नई प्रोसेसेज को एग्जीक्यूट करवाते हैं तो उसमें क्विकली चेक्स भी करते हैं मतलब हम बोल सकते हैं कि टाइम टू टाइम अपडेट रहते हैं कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको ईजी वे में जो भी फ्लॉ होता है मतलब जो भी ड्रॉबैक्स वगैरह होते हैं उसको तुरंत एक्सलेंट वे में चेंज कर देते हैं उसकी गारंटी लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो बूस्टिंग द बीपीएम अब जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो बीपीएम को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रही है इस इंडस्ट्री को बिकॉज बाई प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट Hope you understand this all points done. Now fifth, how does a call center work? Call center कैसे work करते हैं? So बहुत easy है इसका answer करना, ठीक है? देखो क्या होता है आपने सपोज कोई वॉशिंग मशीन परचेज किया ठीक है अब वॉशिंग मशीन बहुत अच्छी चल रही है या परचेज़ किया तो वॉशिंग मशीन का कनेक्शन वगैरह लगाना है ठीक है उसको प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल करना है आपके घर में सही तरीके से ताकि वो वर्क कर सके तो उसके लिए कंपनी का कोई बंदा आएगा आपने कॉल किया भाई अब आ जाओ या कुछ प्रॉब्लम्स हो गई इसमें तो आप कॉल करोगे कंपनी में तो कंपनी में जो बंदा आपका कॉल उठाएगा ठीक है जो बंदा आपसे डिस्कस करेगा प्रॉब्लम समझेगा सुनेगा फिर आपको एक डेडलाइन देगा एक तारीख देगा कि भाई इस डेट को आकर आपकी मशीन को सही किया जाएगा तो ये क्या हुआ ये कहीं ना कहीं कॉल सेंटर की तरह ही हम इसको सोच समझ सकते हैं कि कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को जो रिप्रेजेंटेटिव जो लीडरशिप के फॉर्मेट में जो बंदा ऑफिस में कंपनी में बैठा होता है जो कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करता है सपोर्ट करता है वही हम क्या बोल सकते हैं कि वही एक कॉल सेंटर के फॉर्मेट में होता है ठीक है अब यहां पे वो आप यहां पे स्मार्ट डिवाइसिस का यूज कर लो कंप्यूटर लैपटॉप पीसी का यूज कर लो अब कुछ ऐसी बीपीओ कंपनीज भी होती हैं जो कॉल सेंटर की फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड करती है राइट तो कॉल सेंटर्स में बेसिकली इसका मतलब यही होता है कि वहां पर ऐसे ट्रेनर्स

तो उसके लिए यहाँ पर आईटी एक्सपर्ट्स भी होते हैं जो सारी चीजों का ध्यान रखते हैं सबको मैनेज करते हैं डन सो अच्छे से समझ में आ गया जो चीजें आपकी डेली रूटीन में आप देखते हो ना वही सारी चीजें यहाँ पर आईटी से पूछी गई है नाउ सिक्स हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है इट इज रिलेटेड विद एप्लीकेशन ऑफ आई इन मेडिकल साइंस मेडिकल साइंस में हमने इस टर्म को पढ़ा था हेल्थ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एच अब यदि हम मेडिकल साइंस की बात कर लें हम हॉस्पिटल की सपोज बात करते हैं तो हॉस्पिटल में आपने क्या देखा है हॉस्पिटल में आप जैसे ही एंटर करते हो तो रिसेप्शनिस्ट होता है वो कंप्यूटर लेकर बैठा होता है सामने वहाँ पे सारे पेशेंट की इन्फॉर्मेशन कितने पेशेंट्स आ रहे हैं कब आ रहे हैं ठीक है उनकी इंफॉर्मेशन उनकी इंजरीज वगैरह की और रेगुलर ये सा, सारी चीज़ों को मैनेज करना आगे आप जाते हो डॉक्टर के पास जाते तो वहाँ भी कंप्यूटर सिस्टम होता है कुछ डिवाइसेज़ आप देखते हो टेटोस्कोप वगैरह सारी डिवाइसेज लगे होते हैं ठीक है थीके? कुछ मशीन्स रखी होती हैं राइट right, तो वो कहीं ना कहीं डायग्नोस करने के लिए डिसीज को डायग्नोस करने के लिए यूज किए जाते हैं ठीक है वहीं पे एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जहां पे मेडिसिंस को मैनेज किया जाता है कि हॉस्पिटल में कितनी मेडिसिंस है कितने कस्टमर्स को पेशेंट्स को प्रोवाइड की गई फिर हॉस्पिटल में कितना स्टाफ है नर्सेस कितनी है डॉक्टर कितने हैं उनका पर्टिकुलर डेटा मेंटेन करना सो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम आई का यूज कर रहे हैं कंप्यूटर्स का मशीन्स का टूल्स का जो आई टी बेस्ड है आई टी एबल्ड सर्विस आपको प्रोवाइड कर रही है राइट सो हेल्थ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अप्लाइड टू हेल्थ एंड हेल्थ केयर हेल्थ और हेल्थ केयर से रिलेटेड होती हैं। इट सपोर्ट्स हेल्थ इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट अक्रॉस कंप्यूटराइज सिस्टम यहाँ पे आपको हेल्थ मैनेजमेंट की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कंप्यूटराइज सिस्टम की मदद से एंड सिक्योर एक्सचेंज ऑफ हेल्थ इन्फॉर्मेशन बिटवीन कंज्यूमर्स प्रोवाइडर्स पेयर्स एंड क्वालिटी मॉनिटर्स राइट नाउ क्वेश्चन ब्रीफली एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट ऑफ ई बैंकिंग ई बैंकिंग क्या होता है इस कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन करना है तो कुल मिला के वही बात है कि जब वेबसाइट्स नहीं आई थी ई इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के लिए मतलब हम बात कर लें एस बी आई की ओनो ऐप की नेट बैंकिंग पेटीएम गूगल पे ये सब चीज़ें नहीं थी तो आपको बैंक जाना होता था आप बैंक जाके लाइन में लगते थे मनी डिपॉजिट करते थे मनी विद्रॉ करते थे बाकायदा एक फॉर्म भर कर ठीक है और बैंक का जो टाइम होता था उसी टाइम पर जाते थे दो बजे ढाई बजे लंच होता था तो उसके पहले ही जाते थे उसके बाद में नहीं जाते थे बिकॉज या इन केस लंच वंच हो जाता था तो आपको वेट भी करना पड़ता था ऐसे सारी सिचुएशंस फेस की है आज से चार हम बात कर लें दस एक साल पहले तक दस पंद्रह साल पहले तक ये सारी चीज़ें होती थी आज भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ई बैंकिंग का यूज नहीं करते हैं तो यही सारी प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं लेकिन जब से ई बैंकिंग स्टार्ट हुआ मतलब आईटी ने इस बैंकिंग फील्ड में धमाल मचाया मतलब तब से हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जो काम है काफी हद तक ईजी हो गए सो तो ई बैंकिंग के कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ बताना है तो इसमें आपको कुछ ऐसे वेबसाइट्स कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर मिलते हैं जिसकी मदद से आप घर बैठे अपने लैपटॉप मोबाइल फोन पीसी की मदद से चौबीस घंटे किसी भी टाइम पर बैंक को एक्सेस कर सकते हो अपने अकाउंट डिटेल को एक्सेस कर सकते हो पासबुक चेक कर सकते हो आप फिक्स डिपॉजिट ओपन कर सकते हो आप अपने अकाउंट से रिलेटेड कुछ डिटेल अपडेट करनी चेंज करनी वो कर सकते हो मनी विद्रॉल कर सकते हो मनी सेंड कर सकते हो किसी पर्सन के अकाउंट में सारे काम को मिला आप अपने मोबाइल फोन लैपटॉप इसी की मदद से कर सकते हो जिसको ई बैंकिंग कहते हैं सो ई बैंकिंग रिफर्स टू अ मैथड ऑफ बैंकिंग इन विच अ कस्टमर कंडक्ट ट्रांजेक्शन थ्रू दी इंटरनेट इंटरनेट की मदद से हम ट्रांजेक्शन को कंडक्ट कर सकते हैं इट इज कि यहाँ पर जितने भी यूजर्स हैं जो ई e बैंकिंग का यूज करते हैं वो कन्वीनियंटली और क्विकली किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ऑनलाइन कंडक्ट कर सकते हैं दिस डेज यदि आज की बात करें तो मतलब हम तो एवरी ट्रेडिशनल सर्विस की भी बात करते हैं तो है आजकल बैंक में भी जाओगे तो एक्सपर्ट्स आईटी एक्सपर्ट्स ट्रेन बंदे बैठे होते हैं जो की कस्टमर्स को जो भी बैंक में आते हैं ना उन्हें कैसे आई का यूज करना है कैसे वेबसाइट का बैंक की वेबसाइट का यूज करना है वो सिखाते हैं समझाते हैं राइट सो ऑनलाइन बैंकिंग नेटवर्किंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिजल्टिंग इन सेविंग टाइम एफर्ट एंड मनी तो ई बैंकिंग से हमारा टाइम बच रहा है एफर्ट्स बच रहा है मनी बच रहा है सो ट्रांसफरिंग मनी बिटवीन अकाउंट्स यूजिंग आई एम पी एस आर टी जी एस एन ई एफ टी इनके थ्रू आप मनी ट्रांसफर uh, कर सकते हो किसी अनादर पर्सन के अकाउंट में अकाउंट डिटेल देख सकते हो ओपन कर सकते हो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स को एज वेल एज मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट्स आप ऑनलाइन पेमेंट्स भी कर सकते हो फॉर प्रोडक्ट ऑन अ सिंगल क्लिक ऑफ द माउस राइट आप एक सिंगल क्लिक से ये सारे ट्रांजेक्शन कर सकते हो सो विदड्रॉइंग मनी एट एनी टाइम थ्रू ए टी एम इज ऑल्सो पॉसिबल द यूज ऑफ आई टी आई टी ही ए टी एम का जो एक्साम्पल है वो भी आई टी का ही एक एक्सम्पल है ए टी एम ऑटोमेटिक ट्रिलर मशीन जो होती है जिसके थ्रू आप मनी विद्रॉल कर सकते हो किसी भी समय पर

सो एट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ई कॉमर्स ई कॉमर्स का क्या मतलब होता है सो so, अभी इसका आंसर तो आप इजिली लिख कर आ सकते हो क्योंकि हमसे क्यों से हम डिस्कस करते आ रहे हैं ई कॉमर्स के बारे में ई e कॉमर्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जिसकी मदद से आप बिजनेस को ऑनलाइन कर सकते हो इंटरनेटवर्किंग का यूज करके ठीक है सो ई कॉमर्स रिफर्स टू द एक्टिविटी ऑफ बाइंग और सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स और गुड्स सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट इंटरनेट की मदद से प्रोडक्ट्स सर्विसेज गुड्स को यदि आप बाय और सेल करते हो तो बेसिकली इस एक्टिविटी को ई कॉमर्स की कैटेगरी में रखा जाता है इट अलाउस यूजर्स टू सर्च एंड कंपेयर वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यहाँ पे जो कस्टमर्स हैं वो वेरियस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सर्च कर सकते हैं देख सकते हैं ऑर्डर कर सकते हैं ठीक है जिसके थ्रू यहाँ पर आप क्या कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स की मदद से सो विच दे केन बाय एट कॉम्पिटेटिव प्राइस और इसके लिए आप जब सर्च करते हो डिट प्रोडक्ट्स को डिफरेंट शॉपिंग वेबसाइट्स की मदद से सो so, आप अपने रिजनेबल अपने कॉम्पिटेटिव प्राइजेस पर उन्हें खरीद सकते हो राइट सो द प्रोडक्ट्स आर डिलीवर्ड राइट एट दे आर डोर स्टेप द सेविंग टाइम इंड मनी और इसी की मदद से जो प्रोडक्ट है आपको डोर स्टेप तक मिलता है जिसकी मदद से आपका टाइम और मनी दोनों सेव होता है मतलब आपको मार्केट जाने की जरूरत नहीं है आपको ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है आपको भटकना नहीं है शॉप टू शॉप किसी भी चीज को खरीदने के लिए आप घर बैठे अपने

इंडिया में ई e गवर्नेंस का क्या कॉन्सेप्ट है ई गवर्नेंस अगेन अभी हमने पढ़ा प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन में गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज इंटरनेट गवर्नमेंट एजेंसीज यूज आई टी मतलब गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इवन इंटरनेशनल गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं वो आई टी एप्लीकेशन का यूज करते हैं टू कम्युनिकेट एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू द पीपल लोगों तक सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए आईटी का यूज़ किया जा रहा है गवर्नमेंट भी आजकल आईटी का यूज़ कर रही है दिस इज कॉल्ड ई गवर्नेंस इसे हम कहते हैं ई e गवर्नेंस इसके कुछ एग्जांपल्स की यदि बात कर लें तो एप्स लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिया को डिजिटल बनाने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर बहुत सारी वेबसाइट्स आपको यहाँ मिल जाएंगी जैसे कि हम यहाँ बात कर लें भीम स्वच्छ भारत अभियान माई गव इंडिया डॉट गव डॉट इन ये सारी वेबसाइट्स है जिनकी मदद से आप गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो उनकी सर्विसेज जो आपको मिल रही है उनको एक्सेस कर सकते हो राइट नेक्स्ट एफ दैट इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को मतलब थ्योरिटिकल क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए ठीक है थीके? अब इन थ्योरिटिकल क्वेश्चन से आपको आइडिया लग गया कि कैसे क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं और उनके आंसर आपको किस तरीके से लिखने हैं अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें सबसे आखरी में आपको एप्लीकेशन बेस्ड बेस्ड मिलते हैं जिने हम केस के नाम से भी जानते हैं उनमें कुछ एग्जाम्पल दिए रहते हैं कुछ कंडीशन दी होती है उनको पढ़कर आपको आंसर लिखना होता है ये बहुत इजी होता है मतलब यदि चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा है आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप इनके आंसर्स को इजीली कर सकते हो so, देख एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पहला दिया हुआ है क्या पूछा है यहाँ पर कि आपको तीन सर्विसेज बतानी है जो कि आपकी फैमिली इन तीन सर्विसेज को एक्सेस करती है बीपीओ कंपनीज के थ्रू बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो सर्विसेज आपको मल्टीपल सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं ना तो ये जो सर्विसेज आपकी फैमिली में मिलती हैं आपको बीपीओ सर्विसेज के थ्रू ऐसे तीन सर्विसेज के नाम आपको लिखने हैं ठीक है तो आंसर को आप अपने ओन वर्ड्स में अपनी ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो जो आप देखते हो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा हुआ है रिन्यूअल ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी सो इंश्योरेंस यदि आपने लिया हुआ है अपने घर में के लिए तो इंश्योरेंस पॉलिसी को आप रिन्यू करवाते हो हर ईयर करवाते हो ठीक है कुछ अमाउंट in, जो इंटरेस्ट होता है जो इन्वेस्टमेंट होती है वो आप पे करते हो राइट right? जो पॉलिसी आती है तो रिन्यूबल ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक तो ये सर्विस होगी दूसरी फेलिंग कंप्लेंट टू पावर सप्लाई बोर्ड रिगार्डिंग पावर कट ऑफ यदि गलती से या किसी रीजन से पावर कट ऑफ हो जाता है तो आप पावर सप्लाई कंपनी में जाते हो और वहां पे कंप्लेंट फिल करते हो या फिर आप ऑनलाइन भी जो वेबसाइट्स होती है है ना वहां पर कंप्लेंट फिल करते हो पावर कट से रिलेटेड तो वो कंपनी आपको कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है तो ये भी बीपीओ सर्विस का अनदर एग्जाम्पल हुआ थर्ड सीकिंग टेक्निकल सपोर्ट फॉर वॉशिंग मशीन अगेन मैंने ये एग्जाम्पल पहले भी दिया है कि यदि वॉशिंग मशीन में, में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कंपनी में कॉल करते हो और वहां से आपको सर्विस मिलती है तो जो भी प्रॉब्लम है तो वो टेक्निकल सपोर्ट

अपने स्कूल का प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है टॉपिक है यहाँ पर ग्लोबल लीडर्स हाउ कैन ही यूज आई टी फॉर दिस टास्क सपोज आपको ये टास्क दिया जाए कि आपको ग्लोबल लीडर्स या कोई और अच्छे टॉपिक पर प्रोजेक्ट बनाना है ठीक है आपके स्कूल से मिला है तो आप क्या करोगे तो आप अपने बुक को रिफर करोगे यदि बुक में भी आपको जैसा आप चाहते हो वैसा कंटेंट नहीं मिलता है तो ऑब्वियस सी बात है हम गूगल का यूज़ करेंगे हम इंटरनेट का यूज़ करेंगे और इंटरनेट पे काफ़ी अच्छी इमेजेस सर्च करेंगे टेक्स्ट सर्च करेंगे कुछ स्लोगन्स वगैरह मिलेंगे तो वो सर्च करेंगे राइट और सर्च करके वर्ड या एक्सेल जिसमें भी या पावर पॉइंट स्लाइड वगैरह बनाना हो आपको या फिर जनरली हम वर्ड का यूज़ करते हैं एमएस वर्ड का तो वहां पर जाके आप सारी चीज़ों को पेस्ट करोगे और प्रॉपर तरीके से फॉर्मेटिंग एडिटिंग वगैरह करके अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे बढ़िया तरीके से प्रिंट निकलवाओगे फ्रंट पेज अच्छा बढ़िया सुंदर डिजाइन करके और सबमिट करोगे अपना नाम वाम लिख के राइट तो बस यहां पर भी वही सारी चीजें तो यहां पे आपने क्या किया आपने इंटरनेट का यूज किया आपने गूगल का यूज किया आपने डिफरेंट इमेजेस वगैरह को सर्च किया तो सर्चिंग कर रहे हो आप राइट right? उसके बाद आप सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हो कंप्यूटर का यूज कर रहे हो मोबाइल फोन का यूज कर रहे हो आप ठीक है वर्ड जैसे डॉक्यूमेंट पे आप टाइपिंग कर रहे हो आप सारी चीजें कहीं ना कहीं आई टी इनेबल्ड ही कर रहे हो है ना सो so, देखो समझो ये चीज कि हम डेली लाइफ में कैसे आई पर डिपेंड कर रहे हैं सपोज अगर गूगल नहीं होता कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता तो आपको हाथ से लिखना होता डायग्राम हाथ से बनाना होता कितना टिपिकल होता तो आई ने कहीं ना कहीं हमारी लाइफ बहुत ज्यादा ईजी कर दी है और कन्वीनियंट कर दी है सो आशीष शुड यूज अ वर्ड प्रोस एप्लीकेशन फॉर प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट आशीष ने क्या कहा वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहिए अपने अलग अलग वेबसाइट से ग्लोबल लीडर्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेश सर्च कर सकता है वहां से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है और अपने प्रोजेक्ट में लिख सकता है ओके okay? अब इन इंफॉर्मेशन में इमेजेस भी हो सकते हैं ग्लोबल लीडर्स से रिलेटेड उनके स्लोगन्स हो सकते हैं उनके पिक्चर्स हो सकते हैं उनका जो भी कंटेंट है ना वो यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं डन सो हो भी अंडरस्टैंड दिस आंसर और वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं अच्छी तरीके से एडिटिंग कर सकते हैं फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कंटेंट को प्रॉपर मार्जिन वार्जिन बॉर्डर वॉर्डर लगा के सेट करके प्रिंट uh, करवा सकते हैं ना थर्ड मैंशन अबाउट एनी टू आई टी ड्रीवन हेल्थ डायग्नोस्टिक डिवाइसेज आई टी ड्रीवन दो हेल्थ डायग्नोस्टिक डिवाइसेस के नाम आपको यहाँ पे लिखने जो आप अपने घर पे देखते हो दैट यू हैव सीन एट होम आपके घर पे भी आईटी टी दो हेल्थ केयर डिवाइज होंगे ठीक है हेल्थ रिलेटेड जिससे आप किसी बीमारी का पता लगा सकते हो सपोज आपको फीवर बहुत तेज हो रहा है तो आजकल टेम्परेचर गन चलती है बिना छुए आप फीवर का पता कर सकते हो पल्स मीटर होता है जो आपके हार्ट बीट को पल्स को मेजर करता है तो ये तो जनरली डिवाइसेज जो हम अपने घर में देखते हैं थर्मोमीटर वगैरह होते हैं राइट सो यहाँ पे आपको दो डिवाइसेज के नाम लिखने हैं तो मैंने यहाँ लिखा है ग्लूकोमीटर और स्पैगमो मैनोमीटर तो आप इनके अलावा जो भी आपके घर में हो आप उनके नाम भी लिख सकते हो अदर देन दिस हमने ये नाम तो लिखे ही है ठीक है ब्लड प्रेशर वगैरह मेजर करने के लिए ग्लूकोज वगैरह मेजर करने के लिए हम इन डिवाइसेस का यूज करते हैं डन नाउ आगे बढ़े फोर्थ क्वेश्चन देखें मेंशन सम ऑफ द एप्स लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर ई गवर्नेंस दैट यू और योर फैमिली मेंबर्स हैव यूज्ड आप और आपके घर में जो फैमिली मेंबर्स कुछ गवर्नमेंटल वेबसाइट्स का यूज करते हैं वो ई गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं उनका नाम बताना है आपको ठीक है कि गवर्नमेंट ने कौन कौन सी ऐसी ई गवर्नमेंट वेबसाइट्स को लॉन्च किया है जिसकी मदद से आप अपने काम को ईजी कर पा रहे हो ठीक है सो भीम जी एस टी रेट फाइंडर माई गव है ना ये कुछ ऐप वेबसाइट्स के मैंने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं बाकी आप इनके अलावा इंडिया डॉट गव डॉट इन एम पी ऑनलाइन डॉट एन आई सी डॉट इन किसी भी वेबसाइट का नाम यहाँ पे आप लिख सकते हो डन अब इनके थ्रू हम हमारे काम कर सकते हैं ईजीली डन नाउ फिफ्थ योर अंकल एंड आंट स्टे इन अनादर कंट्री आपके अंकल आंटी किसी अनदर कंट्री में रहते हैं ठीक है हाउ डू यू स्टे कनेक्टेड टू दैम तो आप उनके साथ कैसे कनेक्टेड रह सकते हो कैसे उनके साथ बात कर सकते हो कम्युनिकेट कर सकते हो ऑब्वियसली बात है सपोज आप इंडिया में रहते हो और आपके अंकल आंटी यू एस में रहता है तो आप आपको यदि कम्युनिकेशन करना है तो आप आई टी का ही यूज़ करोगे आप टेलीफोन का यूज़ कर सकते हो मोबाइल फोन का यूज़ कर सकते हो आप सोशल मीडिया का भी यूज़ कर सकते हो सोशल मीडिया वेबसाइट्स के थ्रू भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो या फिर आप व्हाट्सए इंस्टाग्राम का यूज़ करके आप वीडियो कॉलिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

नॉलेज है सो स्टूडेंट्स पे फिनिश हुआ है हमारा पूरा वन शॉट रिविजन एंड होप यू एंजॉय दिस सेशन जिसमें हमने इस चैप्टर के पूरे वन शॉर्ट नहीं सॉरी कम्पलीट किया है ना मतलब हमने क्वेश्चन आंसर समझे किस तरीके से क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे गए हैं अब वन शॉट रिविजन को हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में मतलब जिन स्टूडेंट्स ने टॉपिक वाइज वीडियो नहीं देखे हैं या जिनको टॉपिक वाइज वीडियोज देखने के बाद में कुछ डाउट बचे हैं अभी भी तो उनके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट वीडियो मैं में मैं लेकर आऊंगी आपके लिए कंप्लीट चैप्टर रिविजन दैट इज वन शॉट रिविजन ऑफ दिस चैप्टर जहां पे

और अब तो डियर स्टूडेंट्स मैग्नेट मीन आपको बुक्स और ई e बुक्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है सो so बुक्स और ई e बुक्स को आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो कैसे लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर दिखेगा आपको एक गूगल फॉर्म अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जिस भी किसी सब्जेक्ट की बुक आपको चाहिए या फिर आपको कोई स्पेशल बुकलेट चाहिए मतलब एम सी क्यू से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड एनसीआर टी सोल्यूशन से रिलेटेड सैम्पल पेपर से रिलेटेड तो वो भी आप एक्सेस कर सकते हो टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आप तक बुक और ई e बुक की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी ई e बुक समझ रहे हो वही एजुकेशन सेक्टर में आईटी का कैसे यूज करना है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आप अपने लैपटॉप मोबाइल की मदद से बुक्स को एक्सेस कर पाओगे सो मैग्नेट हंड्रेड परसेंट फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ तो बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच